हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर चपराना लाइव एकेडमी पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो बायोलॉजी का सबसे पहला टॉपिक ब्लड हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। ब्लड को जानते हैं, रक्त और जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं या नॉलेज है हम उसे इजीली ट्रिक के साथ सीख लेंगे। तो सबसे पहले ब्लड स्टार्ट करने से पहले इसके ब्लड के जो बेसिक चीज़ है उसके बारे में जानते हैं। इसे ब्लड क्या होता है, रक्त क्या है? तो रक्त एक संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं जिसको। मानव व्यस में कुल 5 से 6 लीटर जो ये ब्लड है वो होता है। तो 5 से 6 लीटर ब्लड नॉर्मल जो ह्यूमन बॉडी है वो उसमें होता है। और इसके पीएच जो होता है, पीएच स्केल होता है जिससे इसको मापते हैं कि एसिडिक है या बेसिक है, तो इसका पीएच मान 7.4 होता है। रक्त प्लाज्मा और रक्त कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। मतलब प्लाज्मा ये दो चीज़ से बना होता है, एक तो प्लाज्मा बोलते हैं इसको, और प्लाज्मा और एक होता है ब्लड कार्पल्स बोलते हैं इंग्लिश में, रक्त कोशिकाओं को। तो प्लाज्मा का वेटेज दो है इसमें 55% और जो ये है रक्त कोशिकाएं इसका 45%। तो सबसे पहले इसमें प्लाज्मा देखते हैं। प्लाज्मा हमारी बॉडी में 55% होता है। पहली बात, प्लाज्मा पानी और अन्य पदार्थ का मिश्रण होता है। पानी प्लाज्मा में 90% होता है और बाकी जो अन्य पदार्थ 10% होते हैं, अन्य पदार्थ जैसे कि प्रोटीन, यूरिया, फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट्स आदि, ये हमारे प्लाज्मा के अंदर होते हैं। और प्लाज्मा के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि प्लाज्मा में फाइब्रोजन प्रोटीन होता है जो हमारे रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। जब हमारे को चोट वगैरह लगती है तो खून रोकने के लिए जो इंपॉर्टेंट जो यूज़ होता है प्रोटीन, वो फाइब्रोजन, वो हमारा प्लाज्मा में ही होता है। और दूसरी बात, ये ताप नियंत्रित करता है, मतलब टेम्परेचर को मेंटेन करता है। और जो जब चोट वोट लगने के बाद घाव भरने में जो काम करता है वो ये प्लाज्मा ही है। सेकंड आई जो है ब्लड कार्पल्स, मतलब रक्त कोशिकाएं। ये रक्त कोशिकाएं तीन टाइम में तीन होते हैं, एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी और एक प्लेटलेट्स। आरबीसी सबसे ज़्यादा, फिर प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी सबसे कम होती हैं मात्रा में। ब्लड में प्लाज्मा 55% और 45 हमने बताया था। तो रक्त कोशिकाएं जो होती हैं प्लेटलेट्स, ये ब्लड कार्पल्स, इसके वेटेज देख लीजिए। इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स सबसे ज़्यादा, आरबीसी दूसरे नंबर पे, जनसंख्या जो है प्लेटलेट्स की, फिर जो है डब्ल्यूबीसी। तो पहला जो पॉइंट है आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स बोलते हैं इंग्लिश में, रक्त लाल रक्त कणिकाएं। तो ये रक्त में 90% होती हैं, सबसे ज़्यादा जो होती हैं ब्लड में ये यही होती हैं 90%। सेकेंड, इनकी जो लाइफ है, लाइफ ड्यूरेशन है, इनका जो जीवन काल है एक आरबीसी का, वो 120 दिन है। इनका निर्माण जो होता है वो बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। और इनकी मृत्यु पिल्हा स्पिलन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, कि इनकी मृत्यु वाला ये पॉइंट पूछा जाता है कहाँ होती है, और इनका निर्माण सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है आरबीसी के लिए, ये पूछे जाते हैं। और ये जो स्पेलन है इसे आरबीसी का कब्रिस्तान ही बोला जाता है, इसलिए क्योंकि इनकी यहाँ पे ही मृत्यु होती है, यहीं पे मरती हैं। इनका जो काम है वो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना, सबसे मेन काम जो आरबीसी का है। और आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण रक्त का लाल रंग होता है। जो हमारा खून होता है लाल, वो इसी के कारण होता है आरबीसी के, क्योंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन के द्वारा ही हमारे शरीर का खून का रंग जो है लाल होता है। नेक्स्ट है आरबीसी कमी से होने वाले रोग, एनीमिया, पीलिया, ये हमारे इसकी कमी से रोग होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या है, श्वेत रक्त कणिकाएं, मतलब वाइट ब्लड कार्पल्स बोलते हैं हम इसको, सबसे कम होती हैं रक्त में, मैंने बताया था। इनकी जो जीवन काल है वो भी सबसे कम 3 से 4 दिन, आकार में सबसे बड़ी होती है, जनसंख्या में कम और आकार में बड़ा। और वो है ही जैसे कि एक कमरे में जैसे ज़्यादा इंसान रहेंगे तो वो बिचकुच कर रहेंगे, तो उनका साइज छोटा, और जो 2-3 रहेंगे वो फूले और मोटे ताजे रहेंगे तो वो उसका आकार जो बड़ा होगा। तो इनका निर्माण जो है वो बोन मैरो में होता है, और मृत्यु जो होती है ना रक्त में ही हो जाती है, मतलब जो इनकी मृत्यु होती है वो हमारे खून में ही होती है। आरबीसी कहाँ होती थी मृत्यु आरबीसी की होती थी पिलिया में, स्पेलन में, जो आरबीसी कब्रिस्तान कहा जाता था। और इनके डब्ल्यूबीसी की इनकी खून में ही होती है। तो अब इसका जो काम है, आरबीसी काम का था कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का संवहन करना, इनका जो काम है वो है
इनका काम जो है वो है इम्यून सिस्टम प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम इसको बढ़ाता है, और रोगाणुओं में से रक्षा करना है, घाव भरने का काम होता है इसका मेनली। और WBC टू टाइप के होते हैं, एक जो है लिम्फोसाइट्स, वो श्वेत रक्त कणिकाएं जो बीमारी से बचाती हैं, ठीक है, वो WBC जो हमें बीमारी से बचाती हैं, और एक होता है मोनोसाइट, लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्ज़ाम में आता है कि लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी मोनोसाइट्स, ये भी गाँव को घाव भरने में ही काम आती है। और WBC कमी से होने वाले रोग हैं, पहला एड्स वायरस के कारण, ब्लड कैंसर होता है सबसे मुख्य कारण जो है, सबसे मुख्य बीमारी ब्लड कैंसर जो आजकल चरम पे है, ब्लड कैंसर जो हो रहा है वो सबसे ज़्यादा WBC से ही होता है, क्योंकि WBC की जो जनसंख्या वो अनकंट्रोल्ड होती बढ़ती रहती हैं, उन्हें रोग जो उनकी बढ़ती हुई जो जनसंख्या है उनको ही कैंसर का रूप देते हैं, जैसे कि WBC का जो हमारे शरीर में सबसे कम होनी चाहिए, लेकिन क्या हुआ कि वो एकदम से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही हैं तो उसको ही कैंसर बोलते हैं। अगर WBC की मात्रा कम हो रही है तो उसे ल्यूकोपोनिया बोल कहते हैं, और अगर WBC की मात्रा बढ़ रही है तो ल्यूकेमिया कहते हैं, ठीक है। नोट क्या है इसमें, जो मेन चीज़ है कि विटामिन ए, तो थर्ड हमारा होता है प्लेटलेट्स, RBC, WBC और प्लेटलेट, इसके बाद आया प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या है, रक्त में इनकी जो संख्या है वो 4.5 से 6 लाख प्रति लीटर है, पर लीटर होती है, देख रहे हो। और कार्य का है शरीर में कट लगने जाने पर रक्त के बहाव को रोकना, मतलब जब कट लगता है ब्लेड ब्लेड का तो जो रक्त का जो बहाव होता है उसको रोकना इसका मेन काम है। चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारी प्लेटलेट्स की मात्रा एकदम से कमी आ जाती है, जैसे चिकनगुनिया भी चला था लास्ट ईयर चला था तो उसमें ज़्यादा चिकनगुनिया में प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाते, जिसके कारण ज़्यादा प्लेटलेट्स कम होने की वजह से मृत्यु होने का ज़्यादा खतरा रहता था, और हुई नहीं थी मृत्यु चिकनगुनिया के कारण क्योंकि उसमें प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाती थी, जो बकरी का दूध सबसे अच्छा बताते हैं इसके प्लेटलेट्स बढ़ने के लिए। डेंगू जो होता है वो एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। नोट है हमारा, मानव शरीर में खून हेपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता, मतलब खून जो हमारे शरीर के अंदर, तो हेपेरिन जो ये है प्रोटीन कह लीजिए, इसके कारण नहीं जम पाता, तो ये बहुत हेल्पफुल है ये जो हेपेरिन है, वरना अगर अंदर ब्लड इसके शरीर के अंदर अगर खून जम जाएगा तो मृत्यु हो सकती है आदमी की। नेक्स्ट, रक्त परिसंचरण तंत्र, हमारे शरीर में रक्त परिसंचरण धमनी और शिराएं करती हैं, मतलब हमारा जो ब्लड है उसका सर्कुलेशन वीन्स और आर्टरी बोलते हैं वो करती हैं, हमारे शरीर में धमनी और शिराएं करती हैं। इससे अगला क्या है, धमनी ऑक्सीजन युक्त शुद्ध खून ले जाती हैं लंग से हार्ट तक, लंग से मतलब दो तरह का खून जाता है, एक तो लंग से हार्ट तक और फिर हार्ट से लंग्स तक। तो जो धमनी होती हैं वो ऑक्सीजन युक्त शुद्ध खून ले जाती हैं, मतलब जिसमें ऑक्सीजन होती है उसको ले जाती हैं लंग से हार्ट तक। और अपवाद है इसमें, एक जो पल्मोनरी धमनी है ये अशुद्ध ले जाती है, बस ये जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, अशुद्ध को डीऑक्सीजनेटेड और शुद्ध को ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, ठीक है। जो पल्मोनरी धमनी है सिर्फ ये ऐसी धमनी है जो अशुद्ध रक्त ले जाती है ऑर्गन से लंग्स तक, ठीक है। और नेक्स्ट है सिराए अशुद्ध खून ले जाती हैं ऑर्गन से लंग्स तक, अपवाद इसमें भी है, पल्मोनरी सिराए शुद्ध रक्त ले जाती हैं लंग से हार्ट तक, ठीक है। तो इसमें अपवाद हैं, ये जरूर याद रखना है, ये दोनों अपवाद, ये अपवाद पे मेनली क्वेश्चन बनता है। वो सबसे एक बड़ा फैक्टर था, एक चीज़ भूल गया बीच में ही, कि ये जो RBC और WBC जो होती हैं, RBC और WBC में जो आता है उसमें आता है RBC और WBC का रेशो आता है, ये किस रेशो में जो पाई जाती है, तो इनका रेशो होता है 600:1, ये इस रेशो में पाई जाती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा ब्लड कंप्लीट हुआ, इससे नेक्स्ट जो होगा तो टॉपिक हम उसके जो दे रखे हैं उसमें होगा, विटामिन्स है जो भी है उसके अनुसार होगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसकी PDF मिलेगी, उसको रिवाइज करना 2-3 बार, बस काम ख़त्म, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।